अध्यक्ष जी ये लीजिए। कितना लाया है तू? पूरे 3 करोड़। ए, ये क्या सब्जी मंडी समझ रखा है क्या? इतने पैसों में तो मैं तुझे म्युनिसिपैलिटी की टिकट भी ना दूं। नेताजी, आपकी पार्टी की मैं 20 साल से सेवा कर रहा हूँ, मुझे ही टिकट मिलेगा सोचकर मैंने हर जगह पर्चे भी बंटवा दिए हैं। अरे भाई, 5 करोड़ के लिए क्या रो रहा है? एक बार जीत गया तो 300 करोड़ कमाएगा, और तू 3 करोड़ के लिए रो रहा है? हाँ तो दूंगा ना, लो लो ना। नमस्कार नेताजी, चलता हूँ। इस बार राजनगर से रमेश कैंडिडेट है। राजनगर से चुनाव मैं लड़ूंगा, ये कहा था आपने? पिछली बार तो एक भी वोट नहीं मिला था तुम्हें। मैडम ने कहा है कि तुम्हें टिकट ना दी जाए। क्यों, कितना पैसा लेकर आए हो? 5 करोड़ क्या भाई, जो मांगोगे वो दूंगा। आपने मुझे टिकट जो दिया है। अध्यक्ष जी, मंडी का टिकट मुझे ही मिलेगा ना? ए, तू चुप बैठना। ए, वो तुझे देखते ही खाली बोतल की तरह उठाकर फेंक देंगे। वैसे भी सारे टिकट बिक चुके हैं, वो एरिया तो रिजर्व्ड है सिर्फ और सिर्फ फिल्म स्टार के लिए। अरे रे, ये सब बेकार है। चलो रात को कुछ बोलते हैं और दिन में कुछ। बेलगाम से ए, सुरेंद्र राव, तुम्हें टिकट मिली है। सुरेंद्र राव जी की जय हो। अध्यक्ष, बेलगाम का टिकट मुझे दोगे, ये कहा था ना? इस पर तो पहले से बहुत क्रिमिनल केस है, तुझे टिकट देने के लिए हाई कमांड ने मना किया है। अपनी जुबान को संभाल कर तू बात कर। अरे तू 4 शब्द अंग्रेजी का जानता है, इसलिए मैं तुझे इज्जत दे रहा हूँ। मैं क्रिमिनल हूँ तो वो सुरेंद्र सिंह क्या साफ है? दोस्त को अपने घर पर बुलाया और उसकी बीवी का रेप कर दिया था उसने, और फिर भी उसको टिकट दे रहे हो तुम? शर्म नहीं आती? हम लोगों से आज तक तुम बहुत फायदा उठा चुके हो, पर तुम्हारा लालच खत्म नहीं हुआ। पार्टी के लिए दिल से काम करने वालों को छोड़कर इस जैसे गुंडे मवालियों को टिकट देकर पूरे राज्य को खराब कर रहे हो तुम। अबे क्या बात कर रहा है साले, तू मेरा टिकट तू लेगा क्या? तेरे को तो मैं क्या कर रहा हूँ? ये चुप करो, इसे रोको इन्हें। अरे अरे रुकिए, क्या कर रहे हो? अरे बंद करो, बंद करो ये झगड़ा। चुप करो, तुम लोग इंसान हो या राक्षस? पार्टी को भगवान की तरह पूजा जाता है, तुम लोग यहाँ पागल कुत्तों की तरह लड़ रहे हो। एक एक की चमड़ी उधेड़ दूंगी, भागो यहाँ से। अरे तेरा जन्म तो सिर्फ पार्टी का पैसा खाने के लिए ही हुआ है। अरे मेरे बदन से निकले हुए गंध के समान है तुम्हारी ये पार्टी। थू, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये पार्टी। दूसरी पार्टी मुझे बुला रही है, उनसे हाथ। आप शुरू करो, कौन आता है सामने मैं भी देखती हूँ। वाह, सुपर, वेरी गुड महेश, वेरी गुड। पब्लिसिटी बहुत अच्छी की है तुमने। दीदी, ये सब बैनर है ना, ये बड़े बाजार के लिए, ये दूसरा रायपुर के लिए, ये तीसरा बेंगलोर सिटी के लिए, और ये देखिए रायचूर के लिए। भैया कहाँ मर गया था? अरे आपके मरने का टाइम आ गया है। क्या बोला? अरे जैसे बिना मुर्गा के मुर्गी अंडा देती है ना, वैसे ही नंददास ने आपके अपोजिशन में किशन को खड़ा। औरत के चमचे कहीं के, वो कृष्ण कुमार अपनी औरत को संभाल तो नहीं पाता है, और मेरे पति के सामने खड़ा होकर जीतेगा क्या वो? आप जी, आपके सामने कोई भी खड़ा हो जाए, लोग तो नरसिम्हा के नाम से डरते हैं, वो आपको ही वोट देंगे, उस किशन को नहीं। आप ही जीतोगे, आप ही जीतोगे। हाँ, नरसिम्हा जी की, 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 नरसिम्हा जी की। अपने उत्तरवादी प्रकाश को ही चुना, उसके पीछे का कोई और कारण है क्या? जी हाँ बिल्कुल। आपके बारे में कुछ बोल रहा है किशन दास। उस नरसिम्हा को खजाने का लुटेरा कहा जाता है, बस उसी को हराने के लिए मैंने इस कुरुक्षेत्र को चुना है, और मैं अपने दल को जरूर जिताऊंगा। पर वो तो आपसे ज्यादा सीनियर और बलवान है, पार्टी के लोग तो उन्हें BBP का खंबा भी बुलाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मेरे सीनियर? राजनीति में कब सीनियरिटी जूनियरिटी आ गई? सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस, जिसमें योग्यता है खड़ा होगा और लड़ेगा और जीतेगा। फिर भी नरसिम्हा जैसे व्यक्ति के सामने आप जीतेंगे, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, परीक्षा में जाने वाला हर विद्यार्थी पास होगा यही सोचकर वो जाता है, वैसे ही मैं भी खड़ा होऊंगा, जीतूंगा, अपने दल को जिताऊंगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। उसी भरोसे के साथ आप मेरे सवाल का सच सच जवाब दीजिए। पूछिए। एक तरफ आप लोग बोलते हो कि ये किसान ही हमारे देश की शान है, और दूसरी तरफ कर्नाटक में जब आपके दल के लोग गद्दी पर आए तो आपके दल ने क्या किया था? आपके दल के लोगों ने कर्नाटक के इर्द गिर्द 1000 गरीब किसानों की जमीन को हत्या कर उसी जगह पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, ये आपकी पार्टी का मानना था, ये आप लोगों ने जिद की थी। क्या ये गरीबों के साथ अन्याय नहीं था? क्या आपने उनकी रोजी रोटी नहीं छीनी? एकदम गलत बात है साहब,
हमारे शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया, ये तो बड़े गर्व की बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने वहाँ के किसानों के लिए बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए हैं, ये तो देखिए। आपने उद्योग लगाकर उन्हें क्या काम दिया? मैं बताता हूँ आपको, कुलियों का काम, बर्तन धोने का काम, चौकीदारी का काम, कचरा उठाने का काम, ये सब दिया है आपने कर्नाटक की जनता को, और बोलते हो कि उद्योग लगाया। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो सुनिए। छोड़िए वो सब, छोड़िए मिट्टी को, छोड़िए मुद्दे पर आइए। कर्नाटक की जनता को आप मिट्टी के रास्तों को सीमेंट का बनवा कर देंगे, ऐसा आपने कहा था। आपने कहा था ना, बताइए आपने क्या किया? परमिशन तो दी, तो आपने क्या करवाया? किसानों के साथ अन्याय हो रहा है ये कहकर आपकी पार्टी के लोग रास्ते पर ही धरने पर बैठ गए। क्या ये जन सामान्य लोगों के साथ गलत नहीं हुआ? कौन सा राज्य सेवा का काम किया है आपने? ये सब राज्य सेवा की बात आप नहीं बोल रहे हो, वो नरसिम्हा आपसे बुलवा रहा है। उसकी क्या औकात है आपको पता है? उसका चरित्र कैसा आप जानते हैं? तो बोलिए ना, ताकि जनता को भी पता चल जाए उसका चरित्र। वो सिर्फ एक साधारण बस क्लीनर था। सड़क छाप नेताओं को दारू पिलाता था, उनके साथ बैठता था, उनके तलवे चाटता था, उनसे उल्टी सीधी बातें करता था और उनकी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड करके हाई कमांड को सुनाता था। उसने एक बर्तन धोने वाली को पटा कर रखा था। है? आपको बर्तन धोने वाली बोल रहा है वो? इतना ही नहीं, वो यहाँ तक कैसे पहुँचा आपको पता है? वो बर्तन धोने वाली औरत है ना, उसका भाई राजन उसको यहाँ तक पहुँचाया। अजी ये क्या बोल रहा है? नरसिम्हा के यहाँ तक पहुँचने के पीछे वो राजन की काली करतूत है। ऐसे सड़क छाप गुंडे लोग सरकार चला रहे हैं, ऐसे लोगों को विधानसभा में बिठा रखा है। तालिबान में करते हैं ना, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर लाकर सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। ऐसे चोर लोगों को जिंदा छोड़ दिया तो देश में ऐसे ही अराजकता फैलती रहेगी। इसलिए ऐसे चोरों को मार डालना चाहिए, तभी देश में शांति रहेगी, जनता रोटी खा सकेगी। इससे सुदर्शन, इस कार पर जो झंडा लहरा रहा है ना, ये झंडा दिल्ली में लहरा है, यही मेरी इच्छा है। वो नरसिम्हा की कहानी तो खत्म हो गई, आपने टीवी पर उसकी औकात दिखा दी। मेरे पास कितना दिमाग है उसे ये पता चलना चाहिए बस। भव्य भारत पार्टी है, इस बार तो जीत कर ही दिखाएंगे। मान गए भैया, हम ही जीतेंगे। चलो चलो भागो भागो। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? राजन राजन देखो, छोड़ दो मुझे, जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है। तुम्हें तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, अभी तुम गलत कर रहे हो। नरसिम्हा ने गलत किया है, देखो मैं कह रहा हूँ तुम गलत कर रहे हो, नरसिम्हा ने जो किया है वो। चुप। क्या रे, मेरे जीजा जी की पुरानी कहानी पूरे कर्नाटक के सामने गर्व से सुना रहा था ना? मेरे जीजा जी के सर पर एक मक्खी भी बैठ जाए तो मैं लाशें बिछा देता हूँ, और उस पर तू मेरे जीजा के सामने खड़ा होगा। ए, इतनी हिम्मत है तुझमें? हाँ है हिम्मत, खड़ा होऊंगा और तेरी पार्टी को तोड़ूंगा। इस चक्रव्यूह को तोड़ने की हिम्मत अभिमन्यु में भी नहीं थी, और तू क्या सोचता है जीत जाएगा, और वो भी सिर्फ बातें करके? डरा रहा है क्या? राजनीति में डराने से काम नहीं चलता, बल्कि करके दिखाना पड़ता है। ए जगत, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? खून कर रहा हूँ। ए खून करके तू ऐसे खड़ा है जैसे तूने कुछ किया ही ना हो। तुमने देखा क्या? तुमने देखा? तुमने किसी ने देखा? तू ऐसा क्यों कर रहा है?
तूने खून किया ऐसा किसने कहा? तूने कुछ नहीं किया। सुनने में आया कि इधर लफड़ा हुआ है इसलिए हम आए हैं, मगर इधर कुछ भी नहीं हुआ। आप जाइए ना भाई, जाओ जाइए ना भाई। चुप रहना। भगवान, कृष्णा भैया, भैया कृष्णा भैया, आप हम सबको छोड़ के नहीं जा सकते। हे भगवान, एक अच्छा नेता हमें छोड़कर चला गया। सर, 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 नेताजी की मौत के बारे में आपको क्या कहना है? मौत नहीं है, खून, खून हुआ है इनका, प्रजा के प्रभुत्व का खून। ए, हमारा राज्य भी आज देश के दूसरे राज्यों की तरह हो चुका है। चुनाव में खड़े हो गए तो मार डालोगे क्या? इस खून का जवाब मैं जरूर दूंगा। प्रजा के नेता कृष्ण राव के खून के आक्रोश में उनके दल के लोगों ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है और बसों में आग लगा दी है। ये दंगे चारों ओर फैल चुके हैं। उनके लोग हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये दंगे कब रुकेंगे किसी को कुछ नहीं पता। बताइए मैडम, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? इन लोगों की लड़ाई में मेरा बेटा फंस गया और इन सब में उसने अपना पैर खो दिया। मेरा बेटा हमारे खानदान में इकलौता कमाने वाला था, अब ये काम पर नहीं जा सकता। ये हमारे साथ कैसा अन्याय हुआ, अब हम जिंदगी में क्या करेंगे कुछ पता नहीं। PNB पार्टी प्रेसिडेंट मिस्टर नंद राय मिसबिहेव इन द पब्लिक बाय कॉजिंग डिस्ट्रक्शन इन द पब्लिक एंड क्रिएटिंग रिवॉल्ट। यू कैन वॉच ऑल द थिंग्स इन दिस पिक्चर। दो दलों के आपसी मतभेद में आम जनता का बहुत नुकसान हुआ है। 18 लोग जख्मी हो गए हैं, 2 की मौत हुई है और बाकियों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। काफी नुकसान होने के कारण हर जगह कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इससे जनता और सरकार को बहुत नुकसान पहुंचा है। चारों तरफ पुलिस का पहरा है। धारा 144 लागू कर दी गई है। बंद की वजह से काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वेलकम मिस्टर विश्वनाथ, प्लीज कम। थैंक यू सर। प्लीज टेक योर सीट। बैठिए बैठिए। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? हमारे राज्य की स्थिति देखी जाए तो जहर पीने जैसा लगता है। आप थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। कहां पहुंच गया है हमारा राज्य सर? खुद के स्वार्थ के लिए आपस में लड़कर लोगों का नुकसान करवा रहे हैं सर। इधर उधर आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं सर। कहीं हमारे राज्य को गुंडा राज्य कहकर संबोधित ना करे सर, इस बात का डर है मुझे। हमारे जमाने में विधानसभा एक मंदिर के समान था। वहां आने वाला हर एक राज्य नेता सफेद कपड़ों में पंडित समान हुआ करता था। देश को चलाने वाले का मन साफ, शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। परंतु ये लोग सफेद कपड़ा पहने हुए छल कपट करके इस सफेद कपड़े पर भी दाग लगा दिया ना। किसी भी राज्य नेता में विद्या नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है, राज्य कैसे चलाएं ये मालूम ही नहीं है। राज्य करना मतलब ऐशो आराम की जिंदगी समझ बैठे हैं ये लोग। कर्नाटक ऐसे निकम्मे लोगों के हाथ में बर्बाद ना हो जाए, इससे पहले कुछ कीजिए, मदद करिए सर। राज्य के पहले मंत्री होने के नाते आप प्लीज डू समथिंग टू सेव दिस स्टेट एंड डेमोक्रेसी। ऑफिसर्स, हमारे देश के इतिहास में पहली बार कर्नाटका में 6-6 पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, जिसकी वजह से वहां की पॉलिटिकल स्थिति और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो गई है। ऐसे में हमें एक ही काम करना है कि वहां पे शांतिपूर्वक चुनाव हो सके। हमारे कर्नाटक गवर्नर ने राष्ट्रपति साहब से रिक्वेस्ट की है कि वहां पर कोई अच्छा और सीनियर ऑफिसर भेजा जाए। आप लोगों की नजर में कोई अच्छा ऑफिसर है तो प्लीज बताइए। सर, आई थिंक तमिलनाडु's राघवन इज द बेस्ट पर्सन। व्हाट अबाउट रोबोरियो? सर, रोबोरियो इज गुड पर्सन, बट आई थिंक ही इज नॉट द राइट पर्सन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। एक्सक्यूज मी सर,
बिहार और उत्तर प्रदेश के चार पांच जगह पर 20 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, क्योंकि नक्सलिज्म और गुंडागर्दी वहाँ चुनाव होने ही नहीं देते। वैसी जगह पर गुंडागर्दी और नक्सलिज्म को खत्म कर वहाँ के लोगों को शिक्षा देकर जिसने वहाँ पर शांतिपूर्वक चुनाव करवाए, आई थिंक इस काम के लिए दी वन एंड ओनली एमिनेंट एंड डायनेमिक ऑफिसर इंदिरा इज द राइट पर्सन सर। तूने किसको पकड़ा है? मैंने अच्छे अच्छों को मौत के घाट उतार दिया, तू चीज ही क्या है? मुझे छोड़ दे, तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, वरना मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा। तू नहीं जानती मेरी पहुँच कहाँ तक है। ए, दिस इज माई वार्निंग। अगर मैं अपनी पर उतरी तो तेरा साम्राज्य हिल जाएगा। अगर क्रिमिनल मेरा इतिहास पढ़ेगा ना, वो अगले जन्म में मर्द बनकर पैदा होने के लिए भी सोचेगा। तूने मुझसे पंगा लिया है, सोच ले।